प्यारे बच्चों, कबीरदास जी के काव्य अंश को पढ़ाते हुए हम लोगों ने इससे पूर्व की कक्षा में साखी संख्या 1 से लेकर साखी संख्या 8 की व्याख्या पढ़ी और समझी थी। आज हम लोग साखी संख्या 9 से साखी संख्या 15 तक की व्याख्या समझते हैं। तो आप लोग अपनी पाठ्य पुस्तक खोलकर साखी संख्या 9 देखिए। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, जगत चबैना काल का, कछ मुख में कछ बोल। इस साखी में कबीरदास जी ने संसार की असारता के संबंध में बताते हुए कहा है कि मनुष्य अपने भ्रम के कारण, अपने अज्ञान के कारण सांसारिक वस्तुओं को सुखद मानकर उसमें आनंद की अनुभूति करता है, जबकि वास्तव में उसमें कोई भी सुख नहीं। झूठे सुख को सुख है, कहते हैं कि संसार के लोग इतने अज्ञानी हैं कि अपने अज्ञान के कारण सांसारिक विषय वस्तुओं में सुख प्राप्त करते हैं, सुख ढूंढने का प्रयास करते हैं, सुख और आनंद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और उसी को सुख मानकर, वास्तविक सुख मानकर अपने मन में बड़ा आनंदित रहते हैं, बहुत ही प्रसन्न रहते हैं। जगत चबैना काल का, जबकि यह पूरा संसार काल यानी मृत्यु, समय, समय के चबैने की भांति है। चबैना कहते हैं जो जिस चीज़ को हम चबा कर खाते हैं, जैसे लाई चना आदि जो चबा कर खाया जाता है उसको चबैना कहा जाता है। तो जिस प्रकार से हम चबैना को चबा कर खा जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से यह पूरा संसार काल का चबैना है, मृत्यु का चबैना है, जिसमें से कुछ को तो उसने चबा लिया है। इस पूरे संसार के जितने भी प्राणी हैं उसमें से काल ने चबैना मानकर कुछ को तो चबा डाला है और कुछ उसके मुख में समाये हुए हैं और कुछ को उसने अपनी गोद में लिया है। जिसको गोद में लिया है उसको भी भविष्य में चबैना की तरह चबा जाएगा। इस प्रकार यह पूरा संसार काल के अधीन है, अर्थात अंत में सब कुछ नष्ट हो जाना है। इसलिए मनुष्य को इस सांसारिक वस्तुओं के झूठे सुख को कभी सुख नहीं कहना चाहिए, उसमें आनंद ढूंढने का प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि हरि की भक्ति करनी चाहिए। साखी संख्या 10। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाह, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा मैं। इस साखी में कबीरदास जी ने यह बताया है कि जब तक मनुष्य के भीतर अहंकार रहता है तब तक कभी भी उसको परमात्मा नहीं मिल सकते हैं, परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब मैं था तब हरि नहीं, कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब तक मेरे भीतर मैं अर्थात अहंकार की भावना थी तब तक मुझको ईश्वर नहीं मिले, हर नहीं अर्थात ईश्वर नहीं मिले। अब हर है मैं नाही, और अब जब मुझे ईश्वर मिल गए, ईश्वर की प्राप्ति हो गई, तो उनकी कृपा से मेरे मन के भीतर का सारा अहंकार नष्ट हो गया, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा मैं। अपनी बात को उदाहरण से, दृष्टांत के माध्यम से प्रस्तुत करते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से दीपक को जला देने के उपरांत सारा अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से जब तक मेरे मन में अज्ञान का अंधकार था तब तक मुझे परमेश्वर नहीं मिले, ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई, और अब जब मैंने ईश्वर को प्राप्त कर लिया है तो मेरे मन के भीतर का सारा अहंकार नष्ट हो गया। साखी संख्या 11। कबीर कहा गर्भियो, ऊंचे देख आवास, काल ही पर्यो भय लूटना, ऊपर जामे घास। इस साखी में कबीरदास जी ने मनुष्य को एक प्रकार से सावधान किया है कि उसे कभी भी अपनी धन संपत्ति, वैभव समृद्धि आदि पर अभिमान नहीं करना चाहिए। कबीर कहा गर्भियो, ऊंचे देखिए आवास। यदि हमारे पास बहुत ऊंची ऊंची अट्टालिका है, बहुत ऊंचे ऊंचे भवन बने हुए हैं, तो उसको देख करके कभी भी हमको गर्व नहीं करना चाहिए। इस ऊंचे ऊंचे आवास को देखकर कैसा गर्व,
काल ही परे भय लौटा, क्योंकि कल को ये सब कुछ क्या है, मिट्टी में मिल जाएगा। समय के साथ परिवर्तन आने पर यह सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा और ऊपर जामे घास। और जब मनुष्य भी इस भूमि पर लेट जाएगा और ये जो बना हुआ है ऊंचा ऊंचा आवास, वह भी इस मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का अंश बन जाएगा, तो उसके ऊपर केवल घास तिनके आदि ही उगेंगे। साखी संख्या 12। इस साखी में संसार की असारता के संबंध में बताया गया है और यह भी समझाया गया है कि मनुष्य को कभी भी संसार की नश्वरता को समझते हुए, ध्यान में रखते हुए गर्व नहीं करना चाहिए। यह ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग लगे। कह रहे हैं कि यह संसार बिल्कुल सेमर के फूल की भांति नश्वर है। सेमर का फूल, जिस प्रकार से सेमर के फूल में फूल देखने में तो सुंदर और आकर्षक होता है, लेकिन उसमें कोई भी रस नहीं होता है कि उससे किसी को कोई रस प्राप्त हो सके। तो ये पूरा संसार सेमर के फूल की भांति है, जो देखने में बड़ा ही सुंदर और आकर्षक लगता है, लेकिन जैसे सेमर के फूल में अंत में उसके पास जाने पर, निकट जाने पर, उसको तोड़ने पर उससे केवल रुई ही प्राप्त होती है, ठीक उसी प्रकार से इस संसार के सौंदर्य में भी जो उसके निकट जाता है उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होता, भले ही वो देखने में बड़ा ही सुंदर और आकर्षक है। इसलिए 10 दिन का जो जीवन मिला है, अर्थात जो अल्प जीवन हमको जीने को मिला है, उसमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए और अपने झूठे रंग में भूलना नहीं चाहिए। साखी संख्या 13। ई अवसरी चेत्या नहीं, पशु ज्यो पाली देह, राम नाम जाड़ा नहीं, अंति पड़ी मुखे। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य के पास समय होता, तब उस समय वह अपनी चेतना अवस्था को जागृत नहीं करता, अर्थात उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस बात पर ध्यान नहीं देता। ये अवसर चेतना नहीं, जब तुम्हारे हाथ में समय था और अवसर था, तब तुमने अपनी चेतना को नहीं जगाया। पशु ज्यों पाली दे, और सामान्य पशु की भांति अपने शरीर का पालन और पोषण करने में लगे रहे, खाली पशुवत, जैसे पशु अपने खाने पीने से मतलब रखता है, अपने शरीर के पोषण से मतलब रखता है, ठीक उसी प्रकार से तुम भी पशु के समान अपने शरीर को पालते रहे। राम नाम जाड़ा नहीं, अंति पड़ी मुखे, और तब समय रहते तुमने राम के नाम के रहस्य को नहीं जाना, ईश्वर के रहस्य को नहीं पहचाना, और अंत में क्या हुआ, तुम्हारे मुंह पे धूल और मिट्टी जम गई। अंत में जब तुम्हारी मृत्यु हुई, तुम मृत्यु को प्राप्त हुए, इस नश्वर शरीर का अंत हुआ, तो तुम्हारे मुख पर आज धूल पड़ी हुई है, अर्थात तुमने इस परमात्मा को न जानने के कारण इस प्रकार से मृत्यु का वरण कर लिया, क्योंकि समय रहते तुमने अपनी चेतना को जगाया नहीं और पशु के समान अपने शरीर को पालने में लगे। साखी संख्या 14। यह तन काचा कुंभ है, लिया फिरा था साथ, ढबका लागा फूट गया, कछु न आया। इस साखी में कबीरदास जी ने मानव के शरीर को कांच के समान नाशवान बताते हुए यह बताया है कि किस प्रकार से वह अपने इस कच्चे शरीर को, शरीर रूपी कच्चे घड़े को साथ में लेके घूम रहा है, जिसका एक दिन अंत हो जाएगा और उसके हाथ में कुछ नहीं आएगा। यह तन काचा कुंभ है, यह जो मानव का शरीर है, यह कच्चे घड़े की भांति है। लिया फिरे था साथ, जिस कच्चे घड़े को वह अपने साथ लेकर के घूम रहा है, ढबका लागा फूट गया, और जैसे ही मृत्यु का धक्का उस घड़े पर लगेगा, तो मृत्यु का झटका लगते ही, मृत्यु का धक्का लगते ही वह शरीर क्या हुआ, शरीर रूपी जो घड़ा है वो फूट गया, कछु ना आया हाथ, और फिर मनुष्य के हाथ में कुछ भी आता नहीं, अर्थात
मानव का यह जो शरीर है, मनुष्य अपने शरीर रूपी कच्चे घड़े को अपने साथ में लेकर के घूम रहा है, अपने हाथ में लेकर के घूम रहा है, लेकिन जैसे ही मृत्यु का धक्का लगता है उसका वह शरीर रूपी घड़ा टूटकर बिखर जाता है और उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता। इसलिए उसको यह चाहिए कि वह ईश्वर का स्मरण करे, अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त करे और ईश्वर का भजन करे। साखी संख्या 15। कबीर कहा गरबियो देही देख सुरंग, बिछड़िया मिलबो नहीं जीव काजली हो। इस साखी में कबीरदास जी ने अपने शारीरिक सौंदर्य पर अभिमान करने वालों को सावधान किया है कि कभी भी उनको अपने सुंदर रूप रंग को देखकर किसी प्रकार का अहंकार नहीं करना चाहिए। कबीर कहा गरबियो देही देख सुरंग, कहते हैं देही देख सुरंग, शरीर को सुंदर रंग वाली देखकर, अर्थात अपने शरीर को सुंदर रूप रंग वाला देख करके कहा गर्वियो, किस बात का गर्व, कैसा गर्व, यानी हमको कभी भी अपने सुंदर रूप रंग को देख करके, शारीरिक सौंदर्य को देख करके किसी प्रकार का गर्व अभिमान करना नहीं चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि बिछड़िया मिलबो नहीं, जब एक बार यह शरीर हमसे बिछड़ जाएगी तो उसके बाद फिर दोबारा मिलने वाली नहीं है। कैसे? ज्यों काचली भुवन, वैसे ही जैसे सर्प जब अपनी केचुली को उतार करके फेंक देता है, जो सर्प होता है अपनी केचुली यानी जो उसकी पुरानी शरीर का जो आवरण होता है उसको उतार करके छोड़ देता है, तो जिस प्रकार से सर्प अपनी उतारी हुई केचुली को, भुजंग सर्प को कहते हैं, तो सर्प अपनी उतारी हुई केचुली को, छोड़ी हुई केचुली को फिर से प्राप्त नहीं कर सकता, ठीक उसी प्रकार से मानव का यह सुंदर रूप रंग वाला शरीर भी यदि एक बार उससे बिछड़ जाएगा तो दोबारा उसको मिलने वाला नहीं है। इसलिए कभी भी उसको अपने देह के सुंदर सौंदर्य को देख करके, देह की सुंदरता को देख करके, शारीरिक सौंदर्य को देख करके किसी प्रकार का गर्व करना नहीं चाहिए। तो बच्चों, इस प्रकार से आपके काव्य खंड से संबंधित प्रथम पाठ कबीरदास की साखी की व्याख्या आपको पढ़ाई और समझाई गई है। आप लोग ध्यान से इस व्याख्या को सुनिएगा, समझिएगा और व्याख्या को आप लोग लिख करके देखिएगा, जिससे कि आपको यह ज्ञात हो सकेगा कि व्याख्या आपको समझ में आ गई या नहीं।